किचन आज हम लोग बनाएंगे पोहा। इसके लिए हम लोग को जो सामग्री चाहिए वो है पोहा, आलू टुकड़े में कटे हुए, प्याज बारीक कटा हुआ, साबुत जीरा, सरसों के दाने, करिया पत्ता, जो हरी लाल मिर्च होती है हरी या लाल वाली उसको टुकड़ा टुकड़ा करके काट लें, मूंगफली 2 से 3, आपको सूखी लाल मिर्च चाहिए, नमक, हल्दी, 1 नींबू और फ्राई करने के लिए तेल और धनिया पत्ता। हम लोग पोहे को रनिंग वाटर में धो लेंगे, इससे पोहे के अंदर जो मैल है वो भी निकल जाएगा और साथ में पोहा थोड़ा पानी सोख कर लेगा, इसमें आपकी पोहा जो है वो अच्छा बनेगा। मैंने इसको धो के अच्छे से पानी झड़ा लिया है। अब इसके अंदर एक टिप बताती हूँ आपको, इस समय जब आप यहाँ पर पानी झड़ने के लिए रखें तो इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल के रखें, करीब बड़ा 1 टेबल स्पून का शक्कर आप इसमें डालें, इससे आपका जो पोहे का स्वाद है वो बहुत बढ़िया आएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले तेल में हम लोग सूखी लाल मिर्च डाल लेंगे, साथ में डाल लेंगे जीरा और सरसों के दाने, और साथ में डालें कुछ कड़ी पत्ते। अब इसके साथ आप जैसे ही ये टर्टल कर जाए आप डाल लें जो मूंगफली के दाने हम लोगों ने रखे हुए हैं वो मूंगफली के दाने, और इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। हल्का सा जब मूंगफली के दाने आपका फ्राई हो जाए तो उसमें आप डाल लें आलू जो टुकड़े करके हम लोगों ने रखे हुए हैं, और इसको भी हम लोग इसी के साथ फ्राई कर लेंगे। हल्का फ्राई हो गया है, अब हम इसमें डाल लेंगे प्याज। प्याज डालने के बाद इसमें हम लोग डाल लेंगे हरी मिर्च और इसको हम लोग अच्छा सा फ्राई करेंगे। इसी में समय आप इसमें डाल दें हल्दी, और इसको फ्राई करें। अब हम लोग नमक को इसमें डाल लेंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार दें और इसको अच्छे से मिला लें। दबा के देख लें, ये देखिए आलू पक गई है तो मतलब ये डन है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे पोहा, इसमें मैंने शक्कर मिला के रखा हुआ था, हाथ से मिला लिया था शक्कर को, आप भी वैसे ही डाल लें। अगर आप मीठा बिल्कुल पसंद नहीं करते तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, शक्कर ना डालें। पोहा को डाल के हम लोग अच्छे से इसको मिला लेंगे और फिर 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। पोहा मैंने बहुत अच्छे से मिला लिया है और 2 मिनट फिर चला भी लिया है। अब जो आधी बड़ी नींबू रखी हुई है तो उसको मैं इसमें निचोड़ कर डालूंगी, अगर छोटा नींबू है तो पूरा 1 नींबू आप डालें, हाथ के ऊपर डालेंगे ताकि बीजा अंदर ना जाए। नींबू डाल के आप वापस इसको मिला लें, और इसमें डालें आप धनिया पत्ता और इसको वापस मिला दें। बनके तैयार है आपका पोहा, इसको निकालें और गर्मा गर्म सर्व करो। लीजिए बनके तैयार है पोहा। अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी नए विजिटर्स हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। नाश्ते में बनाइए
खाइए और बताइए कैसा बना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।